बसमिल अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ साजिद गुंदल आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल आज तीन अगस्त है साल दो हज़ार बाईस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान और पी टी आई के खिलाफ ममनो फंडिंग केस के फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल मच गई है हुक्मरान इतिहाद ने आग से खेलने का फैसला कर लिया है आज एक इंतहाई आम इजलास हुआ है इमरान खान और पी टी आई के मरकजी रहनमाओं की गिरफ्तारी और नयाली के हवाले से क्या बंदी है आम तफसी मैं आपके सामने रखूँगा अफगानिस्तान के दारकूमत काबल में एमन अलवारी को एक हमले में हलाक किया गया है इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने के हवाले से बड़ी ही एक आम खबर है हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़ है क्या पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बेची है ये क्या इल्जाम लग रहे हैं और नवाज शरीफ के एक ख़ास आदमी ने इस हवाले से जो ख़बर दी है वो हकूमत के मुखालफ खबर किस तरह है ये भी आपको बताऊँगा और रजीम चेंज साजिश फेज़ टू क्या अमरीका ने पाकिस्तान को माफ़ कर दिया है डॉलर बड़ा तेज़ी के साथ सस्ता हो रहा है ये क्या मामला है इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगा करेंगे अमेरिका आपको इल्म है कि हमेशा वो चाहता है कि पाकिस्तान उसका साथ दे और पाकिस्तान की जो इस्टेबलिशमेंट है वो अमेरिका के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात में होती है और इसको नाम मुल्की मफाद का ही दिया जाता है पोलिटिकल जो लीडरशिप है उसके अंदर वैसे भी इतना दम खम कम होता है कि वो अमेरिका को इनकार कर दें एक तरफ चाइना के साथ पाकिस्तान के दरीना तलुक हैं और दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसके सामने ना करना भी बड़ा मुश्किल होता है अब ये पूरी जो डेवलपमेंट हुई है इसने बड़ा हैरान करके रख दिया है अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के सरबरा एमन अल जवाहरी उस पर एक हमला होता है हलाकत होती है उसको बाद लोग शहीद कहेंगे ये सारी चीज़ें हैं लेकिन अल अलज़ीरा से लेकर बैन अवी ख़बर रसा इदारे वो इसको जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने के हवाले से ख़बर देते हैं फिर दफ्तर ख़ारजा की पूरेसरार खामोशी होती है इस सारे मामले से मजीद जो है वो बड़े शकूक को शुबहत जन्म लेते हैं अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है मैं पहले तो थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये इल्ज़ाम कैसे लगें एक तो जो मुस्लिम लीग नून के एक आम सहाफती तर्जमान है और उनका नाम नजम सेठी है नजम सेठी एक तो अलज़ीरा पर यह ख़बर आई कि यहाँ पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है उसका रिबटल पाकिस्तान की हकूमत से काफ़ी टाइम नहीं दिया गया फिर नजम सेठी कह रहा है नजम सेठी ये बार बार ये वो चिड़िया वाला बाबा है जो नवाज शरीफ का दस्तरास्त है और यहाँ पर वो जो कहता है वो कहता है यू एमन अलजवारी की वजह से राइट्स मांग रहे थे मेरे ख्याल में इसमें कोऑपरेशन हुई होगी मेरे ख्याल में उन्होंने एक किस्म का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया ये है ये हमने आपके साथ दहशत गर्दी के खिलाफ मालूम शेयर की हैं यानी हमारी जन्सी शेयर कर रही हैं ये यहां पर कह रहा है या अमेरिका वो आपस में एक्सचेंज हुई है और एफ टी एफ के अंदर और आई एम एफ के अंदर हम मदद करेंगे ये अमेरिका ने की और जब ही जनरल बाजवा ने अमेरिका को फोन करके पाकिस्तान का मसला रखा है अफ़गानिस्तान में एमन दवारी पर हमले का ऑपरेशन अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है ये यहाँ पर जो है वो खबर कौन दे रहा है ये नजम सेठी उसकी ये ख़बर से विलाग से ये तासर मिल रहा है हमले के बाद अमरीका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और जनरल बाजवा ने बदले में मुआशी मदद मांगी अब यहाँ ये नजम सेठी बात कर रहा है और फिर जो आपको है, पाकिस्तान मुखालफ है अमरुल्ला साले जो नायब सदर था वहाँ पर उसने कहा कि जवारी का इस्लामाबाद को दो बिलियन डॉलर उसने बिला सूद कर्ज देना है दिलाना है आई एम एफ से और यहाँ पर इसी तरह अलकायदा यहाँ पर जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनको भी पंद्रह मिलियन डॉलर उसका इनाम मिला है और यहाँ इस तरीके से ये हमला हुआ है अब पाकिस्तान के अगर अफगानिस्तान के हालात का जायदा लें तो उसका जो महल वक्ू है उसके तनादर में अगर कतर की एयरबेस से भी ये ड्रोन अटैक होता है तो फिर भी सवाल पैदा होते हैं और ये भी बताया गया है कि बलूचिस्तान जो है वहाँ से ये मामला जो है वो एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है और इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा बदकिस्मती का वाक़ा हुआ है पाकिस्तान की जो आम शख्सियात हैं वो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश कर गया है ये सारी चीज़ें अपने तौर पर डिस्कस हो रही हैं बैनी इदारों में लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ तो हुकूमत पाकिस्तान का भी मौक़ आया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक के लिए एयर स्पेस देने की तरदीद कर दी है अफगान हुकूमत ने भी पाकिस्तान के बयान की तइद की है फिर कौन से वो कहते हैं सांप हैं जो पलट पलट कर पाकिस्तान को डस रहे हैं अब ये कहा जा रहा है चूंकि अफगानिस्तान को भी पैसा मिला है और ये सारा हुआ है ये सारी चीज़ें हैं इसी तरह वजी दाखिला जो है वो हालांकि इस पर जो बयान है वो ऑफिशियली दफ्तर खारजा का आना चाहिए था लेकिन यहाँ जो है वो वजी दाखिला की हैसियत से राना ने भी इनकार किया है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई लिहाजा हुकूमत का ये मौक़ है इसके मुकाबले में जो है वो अगर अच्छा तासर होगा और कोई अच्छी वैलिड न्यूज़ होगी तो हम उसको बयान करेंगे वरना हम हकूमत पाकिस्तान का जो मौक़ होगा रियासत पाकिस्तान का ज़ैर है उसको ही वो आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है चूँकि अगर ये बात मान ली जाती है कई मरतबा ऐसे हुआ है कि रियाती सतह पर झूठ बोले गए और बाद के अंदर कई साल बाद जाकर पता चला है कि भाई ये बात तो ऐसे थी चूँकि इस वक्त अगर ये मान लिया जाए कि ये यहाँ से जो है वो एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है तो जहर पाकिस्तान से बदला दिया जाएगा और पहले भी हम दहशत गर्दी की जो जंग है वो हा जिस तरीके से हमें खुम भुगतना पड़ा है फिर इमरान खान ने अब सल्यूटली नाट से अब क्या अमरीका ने हमें माफ कर दिया है ये वो सवाल है जो पूरी इस मामले की कहानी बताता है और एक ही दिन के अंदर डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले के अंदर उसका ग्यारह बारह रुपए गिरना ये बड़ा संजीदा आते हैं कि आप पहले एक सौ के करीब या अस्सी रुपए बढ़ाएं उसमें से दस ग्यारह बारह कम कर दें और असल में एक सौ अठहत्तर पर इमरान खान ये छोड़कर गया था और आपको वापस उसी जगह पर लाना पड़ेगा वरना ये नहीं है कि जब महंगा बारह रुपए हो तो आप खामोश रहें और जब वो दस रुपए सस्ता हो तो आप भंगड़े डालें ये भंगड़े नहीं डालने दिए जाएंगे तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है कि रजीम चेंज साजिश उसका जो अगला फेज है वो शुरू हो गया और वो है इमरान ख़ान को रास्ते से हटाना कि वो दोबारा इकतदार के अंदर ना आ सके और उसके लिए हमने देखा है कि इतने बड़े मामलों हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उस फैसले के बाद आज इजलास हुआ है कल बारह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं क्मरान इतिहाद की तरफ से आज भी आठ का शेड्यूल है और अभी पाँच छः हो चुकी हैं प्लानिंग ये है कि स्क्रीन से नहीं हटना बेशक ये चेहरे कौम के लिए कितने ही नापसंदीदा हों कितने लोग रिमोट के जरिए वो चैनल बदलेंगे कम अज़ कम नापसंदीदा चेहरे भी होंगे तो चांद लोग तो देखेंगे आगे वही शक्लें नज़र आनी चाहिए थी चाहिए ये तय हुआ है जिसको कॉम नापसंद करती है जो चोरी डकेटी के अंदर बाकायदा साबत शुदा हैं लेकिन यहाँ तासर ये दिया गया कि भाई फ़ौरन फंडत होगी इमरान खान जो है वो ईसाई यहूदी ये एजेंट है लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अब जो अगला मनसूबा है वो मैं समझता हूँ कि जब अब आवाम के खिलाफ इस तरह का खेल खेलते हैं तो उसका नुकसान होता है नुकसान ये है अब फैसला ये किया गया है इमरान खान और उनके साथ जो छः रुकनी वो टीम थी जो ऑपरेट कर रही थी इस पूरे मामले को फाइनेंस को उन सब को नायल करवाया जाएगा रेफरेंस भी दायर होगा हकूमत पाकिस्तान कल वफाकी हकूमत से मंजूरी लेगी उसके बाद जो है ये गिरफ्तारियाँ भी होंगी एफ आई ए को रिकार्ड दिया जाएगा और ये जो इन अनऑफिशियल कुछ जो आपको लगता है कि रिश्तेदार है या फिर ये पता नहीं तर्जमान है न, जो आ, अपना क्या नाम है उसका गरीदा फारूकी गरीद फरूकी ने पूरी खबर दे दी है जी प्लानिंग दे दी है वो ये है कि पी टी आई ममनुवा प्लस फॉरन फंड एफ आई ए के तहत इमरान खान पी टी आई दीगर रहन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी गिरफ्तारियाँ भी होंगी इमरान इसमायल असद कैसर आमर क्या सैफुल्निया के नाम शामिल हैं जल्द ही बड़ा क्रैक डाउन ऑपरेशन मतवके पी टी आई वो कहते हैं इमरान खान को नायल करार दिनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की वफाकी हुमत ने यह भी फैसला कर लिया है यानी इमरान खान वो पहला लीडर है जिसने चैलेंज किया है अवाम की ताकत से तमाम जो है वो गैर रियासी अनासर को तो इसको सबक सिखाना है अब ये कितना कर पाते हैं जहरा है? वो बेचारे जो है वो बात वही है जो हमारे फैसल तारट साहब करते हैं कि वो जैसे शी मेल जो है उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वो भंगड़े डालते हैं चूंकि इनके पास आवाम के पास जाने के लिए कुछ नहीं था और अब ये भंगड़े मारेंगे और उसके बाद घूंगरू तोड़ रहे हैं अब यहां पर जो है वो मैं आपको बताऊं तो ये फैसले चुके हुए हैं अब इसके असरात जो है मैंने क्यों कहा है कि ये आग से खेलने का फैसला है इतनी बड़ी जमात को आप तोड़ेंगे उसको आप खड्डे लाइन लगाएंगे इमरान खान को आप समझते हैं पमंदे सलासल करके और इस तरह की बदमाशी करके आप जो है वो यहाँ हुक्मरानी कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप पहले ही पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं जहाँ तक आपने बर्बादी कर ली है फिर यहाँ जो भी पैसा आया है वो ऑफिशियल अकाउंट्स के जरिए आया है और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है और पाकिस्तान में आया है और दूसरी तरफ जो है वो आप यहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज और इसी तरीके से जो जरदारी है और बिलावल काबू जो बिलावल कह रहा है कि इमरान खान की चोरी साबत हो गई है आप अंदाजा कर यानी अब एम क्यू एम जो है उनको भी पर लग गई है आज उनको भी स्क्रीन टी वी की मुहैया की गई है कि आपने भी बोलना है वो भी कह रहे थे कि एक्शन होना चाहिए ये सारे लोग क्यों कर रहे हैं भाई इन सब को इमरान खान का खौफ है एम क्यू एम को कराची में खौफ है फजल रहमान को के पी के में खौफ है उसके साथ ए एन पी वगैरह मिलाकर सिंध के अंदर अब जो है वो इमरान खान जाने जा रहा है है तो वहां पर जरदारी माफिया को खतरा पंजाब नून लीग से ले लिया गया है वफाक के छब्बीस किलोमीटर के एरिए के अंदर एक बंदा वजीर आला है और वो अब सारे ये डिमांड कर रहे थे कि कोई ना कोई तो हमें ऐसा हथियार फराम करे जो इमरान खान के खिलाफ हम लेकर आवाम के अंदर जा सके तो ये एक पूरी गेम है जब पे दर पै इसकी डाट से डाट मिलाएंगे तो कई चीज़ें इसके अंदर बरामद होगी और ये जो एक पूरा प्लान है इसके बड़े अंडे और बच्चे हैं और ये कौम को आहिस्ता आहसा हमें सबको आहिस्ता आहसा समझ आना होंगे कि इमरान खान का रास्ता दो तिहाई अक्सरियत से क्यों रोकने की ये कोशिश की गई है लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी न्यायालय ये खेल खेलना ये मेरा ख्याल है ये सियासी स्टंड है इसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा देना है हाई कोर्ट ने उड़ा देना है स्टे मिल जाना है रूटीन के मुताबिक ये चलती रहनी है और उसके बाद ये इन्होंने भंगड़े डालने हैं इतनी बात है लेकिन जिन लोगों ने यहां से अरबों रुपए का पैसा चोरी करके बैरूने मुल्क जो रवाना किया है उसके हवाले से इस मुल्क की अदलिया इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट क्या सब ने इतफाक कर लिया है कि कौमी चोरों डाकुओं को आप पूछने ही कुछ नहीं है उनके केसेस आगे नहीं बढ़ रहे उनकी सजाएं नहीं हो रही दो दो महीने की तारीखें दी जा रही है तो आप ये इमरान खान पर प्रेशर बिल्ड करके और दबाव के अंदर लाने की कोशिश के अंदर क्या आप ये समझते हैं कि कौम जो है आसफ जरदारी को फरिश्ता मान लेगी वो कहेगी कि नहीं शबाज शरीफ तो मनी लॉन्ड्रिंग कर ही नहीं सकता वो बिलावल का अबू और बिलावल बड़े अच्छे बंदे हैं رمان, लीबिया से पैसे नहीं ले सकता भाई आप चोरी थे ये अवाम का अब भी एतमाद है। और आप चोर हैं और आपको जवाब देना है आप जितना मर्जी है मीडिया मीडिया खेलने जितना मर्जी है खेल खेलने एक कल इमरान खान ने तकरीर करनी है और आप सब ने उड़ जाना है आपका बयानिया आबा हो जाना है आप टीवी चैनल्स के मालिकों को जितना मैनेज कर लें आप चोरी थे और कौम आपसे हिसाब मांगती है और इधारों की मुजरमाना खामोशी जो है वो सवाल पैदा करती है तो ये असल प्लानिंग ये है कि आप जो चोर है वो दूसरे के बारे में इतना शोर पैदा करे चोर भी कहे चोर चोर चोरों से होशियार रहिए है यानी जो खुद चोर है वो अब इतना शोर मचा रहे हैं कि भाई इमरान खान चोर है यानी हमें आप चोर ना कहें भाई आप चोरी हैं आप डाकू हैं और आपसे यह काम ज़रूर हिसाब लेगी और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या होने जा रहा है हकूमत ने किस तरह घबराहट के अंदर क्या मंसूबा बना लिया है अगली इलेक्शन में जो है अगली जो वीडियो है उसके अंदर तफ़ील आपके सामने रखूँगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि